सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ की फिल्मों का इंतजार उनके फैंस काफ़ी बेसब्री से करते हैं और इस कारण से दोस्तों उनकी फिल्में पहले दिन काफ़ी धमाकेदार ओपनिंग लेती है और कई सारे रिकॉर्ड बना देती है। वैसा ही उनकी लेटेस्ट फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के साथ भी हुआ है और दोस्तों इस फिल्म ने अपने फर्स्ट डे में काफ़ी आउटस्टैंडिंग बिजनेस किया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस फिल्म के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जो कि 2012 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सिक्वल है, इस फिल्म से यहां पर डेब्यू किया है अनन्या पांडे ने और तारा सुतारिया ने। बता रहे दोस्तों कि अनन्या पांडे के काम की काफी तारीफें हुई है, वहीं तारा सुतारे के काम को भी काफी ठीक ठाक बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के रिव्यूज के बारे में तो ऑडियंस की तरफ से तो दोस्तों इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं, वहीं क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज दिए हैं क्योंकि दोस्तों ये फिल्म बच्चों को और गर्ल्स को काफी पसंद आ रही है, वहीं दोस्तों यूथ बॉयज को यह फिल्म ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। इस कारण से दोस्तों इस फिल्म का जो पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो एक तरह से एवरेज ही रहा है। लेकिन दोस्तों अगर देखें तो इस फिल्म का जो पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कई सारी फिल्मों से ज्यादा भी रहा है। तो बात करें इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो आपको बता दें कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 3150 स्क्रीन्स पर लगाया गया था और इस फिल्म ने अपने फर्स्ट डे में कमाया है 13,85,00,000 रुपए, जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ की पिछली फिल्म बागी 2 ने भी काफी बड़ी ओपनिंग ली थी और लगभग 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई अपने पहले ही दिन करी थी। वैसी ही ओपनिंग यहाँ पर टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म को मिल तो नहीं पाई है, लेकिन दोस्तों एक एवरेज ओपनिंग इस फिल्म ने अपने पहले दिन हासिल की है। वही बात करें इस फिल्म के सेकेंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म का रिव्यूज तो मिक्स मिल रहे हैं, इस कारण से दोस्तों इस फिल्म के जो दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसमें ज़्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है और इस फिल्म की सेकेंड डे की एडवांस हो चुकी है लगभग 3.5 करोड़ रुपए की। वही दोस्तों मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी में ये फिल्म ओपन हुई है लगभग 35 से 40% पर और आफ्टरनून के शो इस फिल्म के बता रहे हैं लगभग 45 से 50% के, यानी कि दोस्तों ये फिल्म अपने सेकेंड डे में स्लाइटली ग्रोथ के साथ कमा सकती है लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए, जो कि एक अच्छा टोटल होगा। बता रहे दोस्तों कि इस तरह से इस फिल्म का दो दिनों का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 30 करोड़ रुपए, वहीं ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कमा चुकी होगी लगभग 36 करोड़ रुपए। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करें तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने फर्स्ट डे में कमाया है लगभग 7 करोड़ रुपए, वहीं दोस्तों इस फिल्म के सेकेंड डे के कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर होने वाले हैं लगभग 5 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका होगा 12 करोड़ रुपए और ऑल इंडिया नेट पर यह फिल्म कमा चुकी होगी लगभग 30 करोड़ रुपए। और इस तरह से इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका होगा अपने दो ही दिनों का 48 करोड़ रुपए। बता रहे दोस्तों कि इस फिल्म का बजट है लगभग 60 करोड़ रुपए और इस तरह से ये फिल्म अपने तीन ही दिनों में अपना बजट तो रिकवर कर लेगी, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर कमाने होंगे लगभग 80 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यहां पर टाइगर श्रॉफ के फैंस इस फिल्म को भी हिट तो करा ही देंगे क्योंकि जिस तरह की ओपनिंग इस फिल्म को मिली है यह फिल्म हिट कैटेगरी में तो शामिल हो ही जाएगी। आपको दोस्तों यह फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।